तो हेलो गाइस, क्या हालचाल। मैं उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम मजे होंगे। भले तुम्हारा भाई आज का एक और ब्रांड न्यू गेमिंग वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो अल्टीमेट ड्राफ्ट शोकर अनरोड गेम है ना, आप पता कि ये गेम आ चुकी है, बट कई लोगों को पता नहीं होगा कि ये गेम कैसे खेलते हैं, उसी के बारे में बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया आपको कुछ नहीं समझ लेगा और कि इसमें कैसे खेलना है एंड इसको कैसे कैसे सेटअप करना है इसका गेम का, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। बस वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस आपसे, वीडियो करो तो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। अभी भाई लोग, गेम डाउनलोड करने के बाद पहले तो आपको इसमें कुछ ट्यूटोरियल खेलना पड़ सकता है, फिर आपको जो मेन पेज दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसकी जो बेसिक सेटिंग है ना, वो देख लीजिए इसमें क्या कह दिया गया, फिर आपको मैं गेम खेल दिखाता हूँ। तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपकी ना जो आप थ्री लाइन है वहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, माइलस्टोन, रिप्ले व्यूअर, ठीक है, सेटिंग, प्रोफाइल, लीगल एंड एफटीए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, माइलस्टोन में जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको रिवॉर्ड देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड दूसरा वाला रिप्ले व्यूअर, तो ये क्या है, जैसे ही आप कोई भी मैच खेल के आते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसका रिप्ले देखने को मिल जाएगा। फिर से जब 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 आपका मन करेगा ना, तो तब आप यहाँ से आप रिप्ले देख सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने एक पिछला मैच खेला हुआ है, तो उसका रिप्ले यहाँ पर वीडियो पर क्लिक कर देना है, जो वीडियो का निशान बना है, एंड जैसे ही उसका उस पर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा। एंड यहाँ पर देखिए, जो आप विनिंग मूवमेंट होता है, तो लास्ट मूवमेंट होता है, तो उसका यहाँ पर रिप्ले आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपनी मर्जी के अनुसार यहाँ से देख वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया रिप्ले का भाई, अब ठीक है। अब राइट साइड में आपको प्रोफाइल मिल जाती है, जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक करो तो यहीं पर आपका नेम नेम वगैरह आईडी वर्ष हो जाती है, ठीक है। एंड कितने आपने मैच खेले, कितने आपने नहीं खेले, कौन से अचीवमेंट आपने अचीव किया है, तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, नीचे आपको पाँच ऑप्शन दिखाई देंगे, सबसे नीचे एक शॉप का, दूसरा आपका इन्वेंट्री का, एंड यहाँ पर सीजन का, मतलब कि जो आप मैच खेलोगे वो वाला, एंड यहाँ पर जो जो आप जितने आपके पास प्लेयर है, जितनी मतलब कि आपकी टीम में प्लेयर है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्क्वाड का। एंड यहीं से आप अपने प्लेयर को अपग्रेड भी कर सकते हो, जैसे आप किसी प्लेयर को अपग्रेड करना चाहते हो। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं डॉ सेट को अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपग्रेड का। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ग्रीन ग्रीन के स्टार बने हुए ना, उस पर क्लिक करना है। बट आपको उससे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्ड चाहिए होते हैं, जो कार्ड कहाँ से मिलेंगे जब आप मैच खेल के आते हैं, तो यहाँ पर आपको कार्ड, यहाँ पर मैं बता दूँ कहाँ पर होंगे। यहाँ पर देखिए, पैकेज स्लॉट शो हो रहा ना ब्लैंक, जो खाली कलर में, ठीक है, उसमें शो हो जाएगा पैकेज स्लॉट में आपको एक क्रेडिट मिलती है, तो उसमें आपको बहुत सारे कार्ड मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। तो आप मैच खेल के ये कार्ड ले सकते हो। तो अब सीधे चलते हैं मैच में। तो मैच खेलने के लिए जस्ट आपको सीजन पर आ जाना है। सीजन पर आने के बाद यहाँ पर देखिए, प्ले मैच पर क्लिक करना है। जैसे प्ले मैच पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ सेकंड के बाद आपका जो मैचिंग होती है वो होगी एंड आपको यहाँ पर टीम मिल जाती है, ठीक है, ओपन टीम मिल जाएगी एंड उसके बाद आपका जो मैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको बिट करनी होती है, तो आपको अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी बिट कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी बिट नहीं कर रहा। एंड यहाँ पर देखिए, आपका मैच शुरू हो चुका है। बस आपको क्या करना है, आपको टैप टैप करके, जो क्या कहते हैं उसको, टैप करके आपको बॉल पास करनी होती है। जैसे देखिए, अभी जो प्लेयर हैं वो टैप कर रहे हैं, अभी मैं उसके बॉल छीनूंगा अभी से। देखिए, छीन ली बॉल। अब मैं क्या करूँगा, अब गोल, आपको पता ही है फुटबॉल कैसे खेलते हैं, बस आपको टैप टैप करके बॉल को इधर उधर लेके जाना है, ठीक है, गोल कीपर के पास। तो अभी मैं इससे बॉल छीनता फिर दोबारा। देखिए, बॉल मिल चुकी है, अब इसको मैं पास करता हूँ। बॉल पास करने के लिए आपको ड्रैग करनी पड़ती है। अबे ड्रैग होगी भाई, उस प्लेयर के पास ड्रैग होगी। देखिए, बॉल आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, इसके पास पास कर देता हूँ, फिर इसके पास। अब बॉल आगे लेकर चलते हैं और इसके पास पास कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए, बॉल का गोल करना है, तो मैं क्या करूँगा, आगे आगे जाऊँगा धीरे धीरे टैप टैप करके। अब देखते हैं गोल होता कि नहीं। अब ऐसे ड्रैग कर देना है, देख सकते हो गोल हो चुका है। तो आपको ऐसे ही ड्रैग करके करके ही आगे आगे जाना है। आपको देख सकते हैं, अपना एक गोल हो चुका है, ओपन टीम का एक गोल है बस, सॉरी जीरो गोल है,
इससे फिर से बॉल छीननी पड़ेगी, बच गया भाई। हाँ बॉल आ चुकी है अपने हाथ पे, अब इसको मैं पास करता हूँ अपने प्लेयर को, टीम बॉल आगे चलते हैं फिर से। एंड गाइस अगर आपको गेम खेलने में दिक्कत पड़ती है मुझसे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। एंड एक चीज़ और रहेगी इसमें कि फ्रेंड को कैसे इनवाइट करना है, वो भी आपको बता दूंगा अभी इस गेम के बाद। इसको मैं गेम को अभी क्लोज़ करता हूँ बस। एंड ये सेकंड गोल देख सकते हो, बस आपको ड्रैग करना होता है एंड टैप करना होता है एंड बॉल पास करनी होती है इसमें, और आप आसानी से मैच जीत जाओगे। तो यहाँ पर देखियो, देख सकते हो विनर अपन हो चुके हैं। एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, ये क्रेडिट मिल चुकी है जो मैंने पहले कहा था। यहाँ पर देख सकते हो ऐसे आपको कार्ड मिलेंगे ये वाले, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको अनलॉक कर देना है इसे, एंड इतने सेकंड के बाद ये अनलॉक हो जाएगी। तो उससे पहले यहाँ पर देखिए फ्रेंड को कैसे इन्वाइट करना है वो आपको बता देता हूँ। तो आपको आ जाना है गाइस यहाँ पर देखिए राइट साइड में सबसे नीचे लीडर बोर्ड आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन मिलेंगी, ग्लोबल लीग एंड फ्रेंड्स का। तो फ्रेंड्स वाले ऑप्शन में आ जाना है, जैसे ही आप फ्रेंड्स वाले ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पर आपको देखिए ऐड फ्रेंड एंड जनरेट कोड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको देखिए ऐड फ्रेंड में अगर आप किसी फ्रेंड को ऐड करना चाहते हो तो उसका एक कोड चाहिए होता है, कोड कहाँ पर मिलता है देखिए जनरेट कोड में। जैसे आप जैसे यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करोगे जनरेट कोड पर, तो ये आपका कोड बन गया, ठीक है। ऐसे ही आपके फ्रेंड का कोड बन जाएगा, ठीक है। एंड उसका जो कोड होता है वो आपको ले लेना है एंड यहाँ पर ऐड फ्रेंड में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एंड और कोड डाल देना है आपके फ्रेंड का यहाँ पर। एंड जैसे ही आप अपने फ्रेंड का कोड डालोगे यहाँ पर आपका फ्रेंड इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो आई होप गाइस आपको समझ लग गया होगा कि गेम कैसे खेलते हैं। अगर आपको गेम खेलने में दिक्कत पड़ती है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो बाय गाइस टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया इस वीडियो देखने के लिए। बाय गाइस टेक केयर।